आज करवा चौथ है। मैं उन माताओं को, सुहागिनों को बधाई देना चाहूंगा जो अपने पति को परमेश्वर मान करके कम से कम आज तो उनके नाम से कठिन व्रत कर रही है, एक दिन की सही, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पूनी आध, एक दिन सही। आज तो पति परमेश्वर है, उनके देखे बिना तो अन्न भीतर जाएगा। तो आज मैं समस्त सुहागिनों को बधाई देना चाहूंगा करवा चौथ की, और उन माताओं को भी, भले ही लौकिक दृष्टि से उनके पति ना हो, जिन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान रखा है, वो महिलाएं भी सदा सुहागिन हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सच्चे पति तो श्री कृष्ण हैं। और जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व प्रीतम पति मान लिया, वो कभी विधवा हो नहीं सकती, वो सदा सुहागिन है। उस परम पति परमेश्वर के होते कोई विधवा हो ही नहीं सकती। मीरा के शरीर के पति की मृत्यु हुई, तब भी उन्होंने अपने आप को सदा सुहागिन माना, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जो श्री कृष्ण को अपना पति मानती है वो भी सदा सुहागिन है। उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा करवा चौथ की। और इतना भी कहना चाहूंगा, जैसा व्यवहार आपका आज है पति से, तो 364 दिन भी ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा। देखो, एक पतिव्रता नारी पति की प्रसन्नता के लिए समस्त सुखों का परित्याग करके, सुखों से भरी गृहस्थ को छोड़ करके पति का अनुसरण करती है। यशोदा बाई अपने पति की सेवा में है, पति ने भी कठिन परीक्षा ली, और जब देखा कि मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगी, भीमा को, भगवान को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण केवट बन करके, उनके भाई बन करके आ गए, नदी को पार ही नहीं किया, कंधे पे बैठा करके उनके पति तक पहुंचा दिया। क्योंकि पति व्रता जो नारियां होती हैं, वो जो पति की भक्ति करती हैं, पति की सेवा करती हैं, वास्तव में प्रकारांतर से कृष्ण की ही सेवा करती हैं। करवा चौथ का जो व्रत कर रही है ये श्री कृष्ण के लिए ही है, क्योंकि जिन्होंने अपने पति को परमेश्वर माना तो परमेश्वर तो श्री कृष्ण है। तो पति को कृष्ण मान लो, चाहे कृष्ण को पति मान लो, दोनों ही, दोनों का एक ही फल है। सती अनुसुईया ने अपने पति को भगवान माना और मीरा ने भगवान को पति माना, दोनों के ऊपर भगवान प्रसन्न, दोनों को भगवत प्राप्ति हुई। चाहे परमेश्वर को पति मान लो और चाहे पति को परमेश्वर मान लो, दोनों का एक ही फल है। तो मीरा ने परमेश्वर को, श्री कृष्ण को पति माना, और सती अनुसुईया ने अपने पति को, अत्रि ऋषि को परमेश्वर माना, दोनों को भगवत प्राप्ति, दोनों का कल्याण। एक बार मैं फिर निम्बार्क टीवी एवं साधना टीवी चैनल के माध्यम से भी समस्त माताओं को, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत किया है, कठिन तपस्या में आज जो पति के लिए, आयु बढ़ाने के लिए जो तपस्यारत है, उनको मैं एक बार फिर करवा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं व्यास पीठ की तरफ से आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहे, दोनों में परस्पर सौहार्द बना रहे, इसी प्रकार प्रेम का जीवन जीते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की कमजोरियों की को इग्नोर करते हुए, एक दूसरे के लिए जीवन यापन करें,
एक दूसरे का ध्यान रखें, गलतियों को क्षमा करते हुए, और अपने जीवन को यापन करें, भगवान की भक्ति करें, प्रभु के नाम का जप जाप करें, इस प्रकार अपने जीवन को व्यापन करें।